यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रेटर नोएडा के करौली गांव में आधा दर्जन मजदूरों ने एक ईंट के भट्टे पर जमकर कहर बरपाया। बदमाशों ने मजदूरों की नकदी और सामान तो लूटा ही, तीन महिलाओं के साथ गैंगरेप भी किया। इस घटना के बाद सभी बदमाश आसानी से वहां से फरार हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। घर में ये चारों तरफ बिखरा सामान, जमीन पर पड़े बर्तन, घर में फैले कपड़े पूरी तरह से बयां कर रहे हैं कि यहाँ बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्रेटर नोएडा का ये वही करौली गांव है जहाँ देर रात आधा दर्जन बदमाशों ने ईंट के भट्टे पर जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने मजदूरों के साथ मारपीट कर उनके कैश और जेवर लूट लिए और वहां मौजूद तीन महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। यहाँ पे 1:30 बजे सर आए थे, कह रहे थे हम पुलिस वाले हैं, तो चलो उठो, हमको आपको दारू नहीं बनती है आपके घर में, तो उसको तलाशी लेना है। तो सर नींद में थे, हमको उठा के किनारे बैठाए, बैठाने के बाद सर फिर पीछे से बांधने लगे, पांव मतलब हाथ बांधने लगे, बांध के वो कटोरी में डाल दिए, फिर उसके बाद हमको निकाला नहीं सर। फिर इधर लेडीज लोग से बदतमीजी करी, इज्जत भी लूटी सर, जो चीज़ बटूटा वो सब दे दी। घटना से गुस्साए लोगों ने रबुपुरा थाने पर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है। ये बहुत बड़ी घटना है यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे, जिसकी सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठते रहे, तो इससे पूरा क्षेत्र स्तब्ध है और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर जनता सोचने के लिए मजबूर है। पुलिस का कहना है कि मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है, बदमाशों की तलाश में दबिश डाली जा रही है। कुछ भट्टा मजदूर जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उनके साथ रेप की घटना और उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसको लूटपाट भी मचाया गया, तो जो शिकायत है उसको रजिस्टर कर लिया गया। हमारी टीम जो है वो चौतरफा लगी हुई है, हम जल्दी ही घटना मौके पर फॉरेंसिक और फिगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम पहुँच कर जाँच में जुट गयी है। पुलिस ऐसे गैंग की खोजबीन कर रही है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। भूपेश भाटी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा।